नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं न्यूज हलचल इंडिया। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। जिले में कलेक्टर आशीष सिंह एवं पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ला के मार्गदर्शन में निरंतर अवैध शराब माफियाओं के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जा रही है। घटना तहसील के भैरवगढ़ थाना अंतर्गत विगत दिवस पुलिस ने दबिश में ग्राम बासखेड़ी के सरपंच नरेंद्र कुमावत के यहाँ बड़ी मात्रा में अवैध शराब निर्माण एवं भंडारण पकड़ा था। सरपंच द्वारा सामुदायिक केंद्र से लगकर कमरे में अतिक्रमण किया गया था। आज 18 अप्रैल को एसडीएम श्री गोविंद दुबे एवं सीएसपी श्री एआर नेगी की मौजूदगी में थाना प्रभारी भैरवगढ़ श्री योगेश सिसोदिया, पवासा मुनेन्द्र गौतम, तहसीलदार शिवराम कनासे द्वारा उक्त सरपंच के 3 अवैध मकानों को ध्वस्त कर दिया गया। इस अवसर पर नायब तहसीलदार लोकेश चौहान, घटिया के सीईओ रविकांत एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी नीलेश जाधव मौजूद थे। जो आरोपी है उसके अगेंस्ट में गैर जमानती धाराओं में प्रकरण दर्ज है। आरोपी अभी पुलिस अभिरक्षा से दूर है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी के हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं और उसी विवेचना के दौरान ये अवैध अतिक्रमण का मालूम पड़ा तो सक्षम अधिकारियों और सक्षम एजेंसी के माध्यम से आज उसको डिसमेंटल किया गया है। देखिए, शासन के निर्देश हैं कि जितनी भी प्रकार की अवैध गतिविधियां हो रही हैं उन पे लगातार कार्रवाई होना है। अवैध शराब को लेके यहाँ पिछले दिनों एक बड़ा जखीरा मिला था जिसको नष्ट किया गया था, पुलिस के द्वारा उसमें कार्रवाई भी की गई थी। आज यहाँ पे इनके जो अवैध निर्माण हैं जिनकी अनुमति नहीं है उसको हमारे द्वारा तोड़ा जा रहा है। सामुदायिक भवन से लग के एक संरचना है, उस पर कब्जा पाया गया है, उसको अभी जमींदोज किया गया। जी हाँ, इसमें संबंधित धाराओं में FIR हो गई है, गैर जमानती धाराओं में FIR इसमें हुई है, उसमें आगे की कार्रवाई इसमें होना है।